जब उसका जन्म हुआ तो उसकी दाई हथेली पे एक खून का धब्बा था, जिसे देख उसके माँ ने कहा था कि वो बड़ा होकर एक वीर योद्धा बनेगा। वो जिस भी देश से गुजरता था उस देश में बर्बादी का मंजर छोड़ जाता। उसने अपने दुश्मनों की बीवियों और बेटियों से बच्चा पैदा करके अपने साम्राज्य को विशाल बनाया। एक ऐसा क्रूर शासक जिसने अपनी क्रूरता और बर्बरता से पृथ्वी का करीब 22% हिस्सा जीत लिया था। एक ऐसा शासक जिसके 1.5 करोड़ से ज्यादा वंशज आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासक चंगेज खान के। आज के इस वीडियो में चंगेज खान से जुड़ी आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसे शायद ही आपने पहले सुना या पढ़ा होगा। जब भी इतिहास के सबसे निर्दयी और बर्बर शासकों का जिक्र होगा तो चंगेज खान का नाम सबसे ऊपर होगा। उसके समय में नदियों में पानी की जगह खून बहता था और इससे दुश्मनी लेने का मतलब होता था सिर्फ और सिर्फ मौत। दोस्तों, आज से 800 से 850 साल पहले हमारे इस दुनिया में खौफ और डर का दूसरा नाम ही चंगेज खान हुआ करता था। अपने जीवन काल में 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के मौत के घाट उतारने वाले इस शासक के सामने अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे शासक भी छोटे लगने लगते थे। चंगेज खान की फौज जिस इलाके से गुजरती थी उस इलाके में ऐसी तबाही मचती जिसे देख बड़े बड़े शासकों के भी पसीने छूट जाते थे। उन इलाकों में इंसान का जिंदा रहना तो दूर, जानवर तक जिंदा नहीं बचते थे। चंगेज खान और उसकी सेना पूरे के पूरे शहर को ही आग लगा के तबाह कर देते थे और जिस इलाके को चंगेज खान जीतता था उस इलाके की हालत ऐसी हो जाती थी मानो उस जगह पर पहले कोई इंसान रहा ही नहीं करते थे। ईरान के इतिहासकार चंगेज खान की क्रूरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब चंगेज खान ने ईरान पर जीत हासिल की थी उस समय उसने ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख तक कर दी थी और ईरान को फिर से अपनी आबादी 25 लाख तक पहुंचने में करीब 5 सदियों का वक्त लग गया था। क्रूर और बर्बर होने के साथ ही वो एक बहुत ही कुशल शासक भी था जिसने सन 1206 से 1227 तक एशिया और यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। उसके राज्य में आज के नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन, रशिया, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश उस वक्त चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान के नाम के पीछे खान भले ही लगा हो पर वो कोई मुस्लिम नहीं था। उसके नाम के पीछे खान लगे होने की वजह से कई लोग उसे मुस्लिम मान लेते हैं पर ऐसा नहीं था। चंगेज खान का असली नाम तो तेमुजिन था पर उसने अपनी कुशलता और बहादुरी से अपने कबीले में एक अच्छा प्रभाव बना लिया था और उसकी बहादुरी को देख मंगोलों ने उसे अपना सरदार मानना शुरू कर दिया था और इसीलिए उसे खान की उपाधि दी गई थी। आपको बता दें कि मंगोलिया में खान का अर्थ सम्राट या सरदार होता है। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब उसने बहुत से राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का बचपन ही उसका भविष्य बनाता है और शायद ये बात चंगेज खान के लिए भी बिल्कुल ठीक बैठती है क्योंकि जब चंगेज खान 10 वर्ष का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और उसके पिता अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़ गए थे। चंगेज खान एक कबीले के सरदार का बेटा था और यही कारण था कि उसने छोटी उम्र से ही युद्ध की बारीकियों को सीखना शुरू कर दिया था। चंगेज खान काफी गुस्सैल स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार जब चंगेज खान के एक भाई ने उसकी मछली चुरा के खा ली तो उसने गुस्से में आकर अपने भाई की ही हत्या कर दी थी। चंगेज खान की शादी महज 12 साल की उम्र में बोरते के साथ कर दी गई थी। इतिहासकारों की माने तो जब एक बार चंगेज खान शिकार करके अपने घर पहुंचा तो उसे उसकी पत्नी बोरते नहीं मिली जिसे उसके दुश्मन कबीले वालों ने अगवा कर लिया था। उसने अपनी बीवी को बचाने और अपना बदला लेने के लिए अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और रात के अंधेरे में उसने दुश्मन कबीले पर अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। वो मंजर इतना भयानक और खौफनाक था जिसे सुनके ही आपकी रूह कांप जाएगी। अपने सीने में बदले की आग लिए चंगेज खान ने न सिर्फ पुरुषों को बल्कि बच्चों और महिलाओं को भी बहुत बेरहमी से मार डाला था। उसने अपने दुश्मन के पूरे राज्य को खंडहर में बदल दिया था और यहीं से उसकी क्रूरता और बर्बरता की कहानी शुरू होती है। चंगेज खान के पास अपने दुश्मनों से हमेशा कम सेना रहती थी पर फिर भी वो अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से हरा देता था और इसकी वजह उसकी एक खास तरीके से तैयार की गई सेना होते थे। चंगेज खान अपनी सेना को एक खास तरह की ट्रेनिंग दिया करता था। यहाँ तक कि उसके घोड़े भी बहुत कुशल होते थे क्योंकि चंगेज खान को पता था कि किसी भी युद्ध में घोड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है और बिना अच्छे घोड़ों के किसी भी युद्ध को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इसलिए वो अपनी सेना में मौजूद एक एक घोड़े को एक खास तरह से तैयार किया करता था और जो घोड़ा उसे युद्ध के लिए कमजोर लगता वो उसको तुरंत मार देता। चंगेज खान अपनी सेना के बीच भाईचारा और पक्के अनुशासन को भी बना के रखता था और इन सब खूबियों की वजह से ही चंगेज खान की सेना कम होने के बावजूद अपने दुश्मनों पे कायल बन के टूट पड़ते थे। चंगेज खान अपनी सेना के बलबूते ही कई इलाकों में अपना वर्चस्व कायम कर पाया था। आपको बता दें कि चंगेज खान ने करीब 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा था। जब चंगेज खान ने चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भेदकर चीन पर हमला किया तो चीन में भी जनसंख्या काफी कम हो गई थी। इन सब चीजों से आप चंगेज खान की बर्बरता का अंदाजा लगा सकते हैं। चंगेज खान जिस भी देश या राज्य पर जीत हासिल करता था उस राज्य की स्त्रियों के साथ वो संबंध बनाया करता था। उसे ज्यादातर पराजित राजा और उसके योद्धाओं की पत्नियों
और बेटियों के साथ संबंध बनाने में मजा आता था और इस तरह उसने सैकड़ों स्त्रियों के साथ संबंध बनाए और इसलिए आज भी उसके बहुत से वंशज दुनिया में मौजूद हैं। वर्ष 2003 में एक जेनेटिक रिसर्च में सामने आया था कि पूरे यूरेशिया के लोगों में एक ऐसा वर्ग है जिनका डीएनए पैटर्न एक जैसा है। इस रिसर्च के अनुसार यूरेशिया के करीब 8% लोगों में यह पैटर्न पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1,60,00,000 लोग एक ही डीएनए पैटर्न के हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि उनके पूर्वज एक ही हैं। जब उनके इस डीएनए को चंगेज खान के डीएनए से मैच करके देखा गया तो वो दोनों एक जैसे थे। इसका मतलब चंगेज खान के आज भी 1,60,00,000 वंशज दुनिया में मौजूद हैं और इस जनसंख्या में सिर्फ हमने पुरुषों को जोड़ा है। अगर इसमें हम महिलाओं को भी जोड़ दें तो इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा एशिया पर कब्जा करने वाले चंगेज खान ने कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। चंगेज खान ने जब ईरान के ऊपर हमला किया तब वहां का राजा अपनी जान बचाने के लिए भारत आ पहुंचा और दिल्ली में आश्रय लेने चला गया, पर चंगेज खान के डर से दिल्ली के सुल्तान ने उसे अपने महल में आश्रय नहीं दिया और शायद ही उनका फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन कहलाता है और चंगेज खान से दुश्मनी का अंजाम दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश अच्छी तरह जानते थे। वरना पहले चंगेज खान का इरादा भारत के बीचों बीच से गुजरते हुए असम के रास्ते होते हुए मंगोलिया लौटने का था, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण उसने इरादा बदल लिया और इस तरह उत्तर भारत एक बहुत भयानक बर्बादी से बच गया। दोस्तों, हर योद्धा की तरह चंगेज खान की भी मौत होनी तय थी और सन 1227 के अगस्त महीने में दुनिया के सबसे क्रूर शासक ने अपनी अंतिम सांसें ली। पर चंगेज खान की मौत भी किसी पहेली से कम नहीं थी, क्योंकि चंगेज खान की मौत कैसे हुई उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है, पर एक चीज जिस पर सभी इतिहासकार एक राय रखते हैं वो ये कि चंगेज खान ने अपने बेटे और गुलामों को ये कहा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे ऐसी जगह पे दफनाया जाए जहां कोई उसकी कब्र तक न पहुंच सके। और यकीनन उसके बेटों और गुलामों ने चंगेज खान की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया और चंगेज खान के मरने के बाद उसे एक खुफिया जगह पर दफनाया गया। उसके कब्र को दफनाने के बाद उसके कब्र के ऊपर से करीब 1,000 घोड़ों को दौड़ाया गया ताकि उसके कब्र इस तरह दफन हो जाए कि किसी की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे ढूंढा ना जा सके, और आज तक उसकी कब्र को कोई इतिहासकार नहीं ढूंढ पाया है। हालांकि कुछ इतिहासकार उसके कब्र को ढूंढने का दावा करते हैं लेकिन बाद में वो सब झूठे साबित होते हैं। और दोस्तों, ये बात शायद ही आप में से किसी को पता होगी कि चंगेज खान को दफनाते वक्त उसके साथ 40 औरतों और 40 घोड़ों को भी दफनाया गया था, और उससे भी हैरानी की बात यह है कि इनको जबरन मारकर दफनाया गया था, क्योंकि पहले के जमाने में जिस तरह मिस्र के लोग मानते थे कि मरने के बाद इंसान इस दुनिया में फिर से वापस आता है इसलिए उसकी जरूरी चीजों को उसके ताबूत के साथ रखना जरूरी है, ठीक उसी तरह मंगोली लोग भी इस अजीब परंपरा को मानते थे। इसका मतलब मंगोलियों को लगता था कि मौत से लौटने के बाद चंगेज खान जब दोबारा मंगोलिया लौटेगा तो वो ठीक उसी तरह शासन करेगा जैसे वो मौत से पहले करता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे क्रूर शासक चंगेज खान के ऊपर हमारी पेशकश। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।